alive, can't put me in a box. I redefine any day. ये एक राह का पेड़ मैं देखता हूँ, बल्कि लास्ट टाइम भी मैंने देखा था। तो ये केल की क्या कंडीशन कर रही है? ये माशाल्लाह ग्रे का केल, ग्रे का केल है हमारा। तो ये एक राह का हमारा पेड़ है, ये बड़ा ही जोली जोली और ग्रेसिव भी है। इसके माशाल्लाह 5 बच्चों की एवरेज है इसकी, और माशाल्लाह के 5 के 5 बच्चे निकालता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इसका कुछ प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करना है इसे इसी जगह से। तो ये काफ़ी ज़रा डेंजरस है, इसने काफ़ी क्या कहते हैं कि इसकी बुरा हाल भी किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब व्यूअर्स ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आपको स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल में, जो कि मैंने अभी रिसेंटली अब दोबारा स्टार्ट किया है, पेट्स फॉर एवरीवन के नाम से। तो आज हम आए हैं अबू बकर अमीन साहब के सेटअप पे, जिसको टेक केयर कर रहे हैं हमारे बड़े अजीज़ बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे हमज़ा भाई। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं उनकी तरफ। और हमज़ा भाई क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमज़ा भाई, आज आप हमें क्या विज़िट करवा रहे हैं सेटअप में? माशाल्लाह क्या क्या मोटिवेशन लगाई हुई है सर? माशाल्लाह हमारे पास रा लगा हुआ है, ठीक है, ग्रे लगा हुआ है, यानी कि बड़े बर्ड की काफ़ी वैरायटी लगी हुई है, यानी कि तकरीबन सारा बड़ा बर्ड ही लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं फिर सेटअप की तरफ इंशाल्लाह ताला। अच्छा हमज़ा भाई, तो माशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम इधर येलो से और वाइट से। तो माशाल्लाह ये कुछ पेड़ मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इनके मुतल्लिक बताएं हमें। माशाल्लाह ये येलो का पेयर है, वो वाइट का? हाँ जी, ये माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जो बर्ड है ये मेरे गिने चुने बर्ड है, जो माशाल्लाह सारे ही ऑलराउंडर ब्रीडर हैं किस्म के, जिनसे मैंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनसे बड़ा कुछ हासिल भी हुआ है, ऐसा अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया है कि जो अल्लाह ताला इनको देख के ही हासिल करने से मिलता है वैसे नहीं मिलता। क्योंकि बर्ड की साइकी है वो चंद लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते बर्ड्स क्या क्या चाहता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि ये बेजुबान जानवर है, नो टंग, बेसिकली हमने इनको देखना है इस टाइम ये क्या चीज़ चाहिए, इसे मौसम के हिसाब से क्या तब्दीली आनी चाहिए। जैसे हमें गर्मी महसूस होती है इन्हें भी होती है, हमें सर्दी महसूस होती है इन्हें भी सर्दी महसूस होती है। ये एक लॉजिक है जो अल्लाह ताला ने इंसान में भी पैदा की हुई है, चिरिंद परिंद में भी पैदा की है, ये अल्लाह करीम के सारे काम है माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह ब्लू का भी नीचे पेयर, ये अब ऐड किया कि पहले भी था? ये ब्लू का पेयर घर का ही पेयर है, तो लास्ट ईयर इसका मेल फीमेल का कंफर्मेशन नहीं हो रही थी, लेकिन डाउट था कि मेल है कि फीमेल है। हमने डीएनए करवा लिए हुए थे, लेकिन एक बंदे का अपना भी एक जजमेंट होती है, तो उस वाले से ये पेयर हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन तसल्ली के लिए डीएनए करवाया था कि हमारा टाइम जो है ना वेस्ट ना हो। बिल्कुल, आजकल ऐसे ही है कि बंदा पेयरिंग तो कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर रिंगमैक में वेस्ट होने से नहीं आता, लवबर्ड में बहुत ज़्यादा इशू आता है। हाँ जी, ये चीज़ है, कुछ बर्ड हैं वो ये सिम्टम शो करते हैं कि मेल फीमेल बड़े बर्ड में पता लग जाता है, मोस्टली नहीं भी पता लगता, लेकिन सिम्टम जो आप जिसकी बात कर रहे हैं लवबर्ड जो आजकल माशाल्लाह जिस पर लोग काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, काम करना चाहिए, वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। सही माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अपने पास कितने येलो के पेयर कितने हैं? ऑलमोस्ट मेरे हाथ से तो 15 के करीब पेयर हैं उसके येलो के, और हमारा एक दिल दीदा एक पेयर है वाइट का, कुछ ब्लू के पेयर हैं, यानी कि इसी तरह कुछ स्प्लिट पीस भी हैं माशाल्लाह। तो ये रा के पेयर, ये माशाल्लाह रा का पेयर है, ब्रीडर है ये भी? ऑलमोस्ट मेरे पास जो भी बर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं ये मेरे वो बर्ड हैं जिन पर मैंने मेहनत की है, और मेरे जो अजीज़ मोहतरम जो मेरे छोटे भाई हैं जो के शर्ट के अबू बकर भाई अमीन जो हैं वो इस चीज़ के माशाल्लाह वो समझने के करता रहता है वो, तो माशाल्लाह उन्हीं के मद्देनज़र हम ये लेके शौक चल रहे हैं, तो अल्लाह करीम पूरी करने वाली है। बिल्कुल सर बिल्कुल माशाल्लाह। इधर मैंने पेयर की देखा था जिसके साथ हाँ, बेबीज भी ये पेयर है मेरा, ये कुछ बर्ड होते हैं ये भी टाइम के हिसाब से पेरेंट्स के साथ ही थे, तो मैंने नहीं चाहा कि मैं इनको निकालूँ, उनके फर्दर डिटेल ही कि उनके साथ खा पी रहे हैं मेरे हिसाब से मुझे ठीक लग रहे हैं, तो फ्लाइंग वगैरह भी इनके ठीक है, यानी कि हेल्थ वाइज ठीक थे, तो मैंने इनके चेंज नहीं किया। अब थोड़ा सा कुछ देर के बाद में इनको इनकी मैं क्या कहते हैं सेटिंग चेंज कर दूंगा, जिससे मुझे ये फ़ायदा हासिल होगा कि मेरा ये पेयर और अच्छी ब्रीड करेगा माशाल्लाह। बिल्कुल सर, क्योंकि वो पेरेंट्स के बच्चों के साथ रहा होगा, उनको फीडिंग करवाता रहा होगा, तो मेहनत करके यानी कि दोबारा ब्रीडिंग की तरफ आएगा तो अच्छी ब्रीड करेगा। अली भाई वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग कहते हैं कि कर सेवा था मेवा, बिल्कुल, तो मेहनत करनी चाहिए इंसान को, थोड़ी करे ज़्यादा करे मेहनत करनी चाहिए, खुद भी मेहनत करे बर्ड भी मेहनत करें, जिससे हमें ये फ़ायदा हासिल होता है कि हम आगे जाने के लिए हमें तैयार होते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है। बिल्कुल, इसी तरह मैं चलिए सारे ऊपर आके पेयर हैं। हाँ जी, मौसम मेरे पास काफ़ी लगा हुआ है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ भी बेबीज हैं। हाँ जी, मेरा कुछ प्लान ये है, कुछ भाई अबू बकर भाई का और मेरा कुछ प्लान ये है कि हम नेक्स्ट ईयर जो प्लान है ना, जो हमारा ये शेड है नीचे, हम इसी तरह ऊपर डेवलपमेंट करना चाहते हैं थोड़ी सी, तो ऊपर हमारे पास जो जगह है उसको हम यूटिलाइज लाएंगे। कुछ बर्ड हमने बाय किए हुए हैं, कुछ हमने लेने हैं, कुछ किसी के पास रखवाए हुए हैं, हम कुछ चीज़ें अपनी रेडी टू गो कर रहे हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए कि हमें एक कहते हैं ना एक चट्टान की तरह बंदा आता है फील्ड में, इंशाल्लाह ताला एक ब्रांड की तरह आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह सर, सर एक बंदे की सोच ही होती है जो बंदे को आगे लेके आती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह स्ट्रगल करनी चाहिए हर काम में, अल्लाह पाक बरकत डालने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं। मेरी कोशिश यही है कि मैं इनको अच्छे तरीके से लेके चलूं, तो बाकी अल्लाह करीम की ज़ात है, आप थोड़ी सी मेहनत करें, बाकी अल्लाह ताला पूरी करने वाली ज़ात है। सही, माशाल्लाह ज़्यादातर पेयर राके हैं तकरीबन, राके कितने तकरीबन 30+ पेयर हैं मेरे पास मोस्टली। हाँ जी ठीक हो गया, ये मेरे पास सनग्राउंड थोड़े से लगे हैं अली भाई, तो ये मेरे वो पेड़ हैं जो माशाल्लाह कुछ लोगों के पास बर्ड सबके अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहता मेरे अच्छे हैं। एक चीज़ है कि मेरे पास जो बर्ड इसमें से जो मेरे पास चिक्स आते हैं ना, वो 30 डेज़ के या 40 डेज़ के, उनके फैदर इतने क्लियर होते हैं कि ऐसे लगता है जैसे ये बहुत जल्दी मोल्ड हो गए हैं। आपने शायद लास्ट ईयर आए थे और कुछ फ्यू मंथ्स पहले आप आए थे मेरे पास, तो आपने एक पीस देखा तो आप कह रहे थे हमसे भाई ये पीस वाकई ही बड़ी अच्छी क्वालिटी वाइज पीस, सब बिल्कुल ऐसे ही है। वो फीमेल थी आई थिंक, फीमेल थी, तो उसके फ्लाई फैदर और उसके जो कलर सिम्टम्स थे वो बता रहे थे कि ये जो 2-13 महीने बाद जो पीस चेंज होता है उसके उस कैटेगरी से पहले ही चेंज, वो यानी कि 6 महीने में क्लियर, उसके फ्लाई फैदर बहुत चेंज है। ये माशाल्लाह ये एक राह का पेड़ मैं देखता हूँ, बल्कि लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, तो ये केज की क्या कंडीशन कर ये है? माशाल्लाह ग्रे का केज है हमारा, तो ये एक राह का हमारा पेड़ है, ये बड़ा ही जोली और अग्रेसिव भी है। इसके माशाल्लाह 5 बच्चों की एवरेज है इसकी, और माशाल्लाह के 5 के 5 बच्चे निकालता ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इसका कुछ प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करना है इसे इसी जगह से, तो ये काफ़ी ज़रा डेंजरस है, इसने काफ़ी क्या कहते हैं कि इसकी बुरा हाल भी किया हुआ है। सही है, माशाल्लाह नीचे राख, ये सारे येलो के बच्चे हैं, ये येलो का वही बच्चा है, एक मेल है ये इसके साथ ही पेरेंट्स के साथ ही, शायद आप जो पीस हमने पीछे 4-5 देखे थे पहले बिफोर, ये उन्हीं में से एक पीस है माशाल्लाह, जो माँ बाप के साथ ही, माँ बाप के साथ ही। माशाल्लाह ये लोरी का पेयर है, ये माशाल्लाह अबू बकर भाई का, ये एक दिलदीदा पेयर है। अच्छा, मुझे भी बहुत, मैं भी इसे बहुत लाइक करता हूँ। तो माशाल्लाह भी वैसे भी फ्रेंकली बर्ड है, ये लवली बर्ड है बड़ा। इसके कुछ चीज़ आए हैं मेरे पास, वो माशाल्लाह DNA फीमेल करवा, मेल फीमेल कन्फर्म है, और एक पीस ऐसा है कि बस वो लगाओ होता है ना बर्ड के साथ, वो बड़ी प्यार कर, ठीक हो गया माशाल्लाह। ये सारे एक नोट, ये मेरे पास ब्लू के 2 पीस हैं, ये मेल फीमेल तो कन्फर्म है, लेकिन कलर के वक्त के हिसाब से देखेंगे ये 2-3 माह तक कितने क्लियर होते हैं, क्या सुनते हाल है, कुछ पीस नीचे पड़े हुए हैं वो भी चेक कर लेंगे, वो पता लग जाएगा कितने पेयर बनते हैं हमारे, ठीक माशाल्लाह। कुछ ये जो बर्ड है हमारे, ये जो केजीज है इसमें सारा चिकन हो रहा है, इसमें कुछ पीस वैसे ही डाले हुए हैं, मेल फीमेल करके इकट्ठे किए हैं, इनकी थोड़ी सी स्टार्टिंग करनी है 15 डेज़ के अंदर माशाल्लाह। ये पाइनएप्पल 2 ग्रीन चिकन और का पेयर लगा हुआ है, और माशाल्लाह इधर आगे कुछ बच्चे हैं, कुछ ऊपर ले गए हैं, कुछ नीचे वाले साइड में पड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये पिछले सीज़न के बेबीज़ हैं, लास्ट क्लास के तकरीबन, हाँ जी ये लास्ट क्लास के मेरे पास पीस हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 20+ पीस हैं, कुछ मैंने दे दिए हैं दोस्तों को, ये 4-5 मंथ के मेरे से पीस हैं, इससे ज़्यादा नहीं है माशाल्लाह। बेसिकली बर्ड की फ्लाई और ये जो बर्ड की एक्टिविटी है वो खुद ही बताती है कि बर्ड क्या है। ये माशाल्लाह नीचे मेल पड़े हैं राह के, ये एक फीमेल है इसके अंदर, और बाकी मेरे घर के पीस हैं ये माशाल्लाह, काफ़ी उम्र के हिसाब से इनकी क्या कहते हैं ग्रोथ पूरी हो गई हुई है और इन पूरा हो गया हुआ इनका, वो अल्लाह करीम खैर करेगा इनसे भी कुछ सिस्टम करते हैं। चलें माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत डाले सर आपको, मैं दूर इसमें बाकी अब हम चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, एक वो भी कुछ फ़ोन के कुछ पीस लगाए हैं जावा वगैरह के, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कुछ अभी हमने कह दी थोड़े से बनाए हैं जस्ट इन केस के उनमें हम थोड़ी सी बेड अच्छे तरीके से ले लें, वो एक फॉर्मेलिटी है वो केजीज़ की, तो वो हम देख लेते हैं। कुछ पीस नीचे फ़ोन के पड़े हैं, छत पर आपको दिखाता हूँ, थोड़े से शिफ्ट किए हैं, उनमें से मेल फीमेल का भी छोड़े हैं। तो आप हमारे इधर अपना फ़ोन जावा की तरफ, तो आपको ये जैसे मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह, ये केस अब भाई ने स्टार्ट की है, तो अबूबकर भाई की भी मेहनत है और इसमें हमारे हमजा भाई की भी बहुत मेहनत है, तो ये अगर आप देख सके तो ये फोन जावा के पीस पड़े हैं, फोन के पीस हैं, फोन के पीस हैं, माइनों के पीस हैं, मेल फीमेल हमने अलग किया हमें,
तो कुछ वर्किंग के पीस हैं जो हमारे स्टेट पीस हैं जो हमने लास्ट ईयर रोके हुए हैं, वो भी हमने, हाँ जी, वो हमने यूटिलाइज करने कुछ पीस नहीं है हैं। तो कुछ नीचे वाले बर्ड हैं वो थोड़े से ऊपर शफल करने हैं, इस तरह डे बाय डे ना हम किसी चेंजिंग कर रहे हैं कि हम ऐसे से काम करें और अच्छे तरीके से बर्ड यूटिलाइज करें। जैसे कि आपको बताया कि इसके अलावा भी अबूबकर भाई ने माशाल्लाह एक शौक रखा हुआ है, जो कि माशाल्लाह ये शौक के तौर पे ही रखा हुआ है कि वैसे भी माशाल्लाह शौक क्या रखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो बर्ड को ज़्यादा लाइक करते हैं, पेट लवर होते हैं, जैसे हम पेट लवर हैं, हमें कोई भी चीज़ दिखती हो अच्छी ना दिखती हो हम उसे अपनी ज़रूरत के लिए नहीं लेके आते, हम उसकी खातर तवाज़ा के लिए अपनी तरफ ले आते हैं कि यार ये भी बर्ड अल्लाह ताला की दी हुई जान है, इसकी हिफाजत की जाए, एक लव हो जिसे कहते हैं लव है, पेट लवर है, तो उस हिसाब से हमें ये भी यानी कि घर के लिए एक रखा हुआ है, यानी कि ये पेयर रखा हुआ है, एक पेयर रखा है। ये कौन सी ब्रीड है? ये बेसिकली शेफर्ड है, मेल जो है वो ब्लैक एंड टेन का है शेफर्ड है, और फीमेल जो है वो ब्लैक शेफर्ड है, और ये है फीमेल पेडिग्री है और मेल जो है हमारा नॉन पेडिग्री है। सही, माशाल्लाह अच्छा पेयर है। ये ब्रीडर है कि अभी ब्रीड करेगा? ये ऑलमोस्ट फीमेल जो है वो इस टाइम होगी 8 मंथ की, और मैं जो हमारा ऑस्कर है ये हो गया 9 मंथ का, गैलेक्सी 8 मंथ की है। सही माशा। इसी तरह व्यूवर्स, आपको एक सेटअप विज़िट करवाया, माशाल्लाह सारा ही बर्ड्स बड़ा अच्छा लगा हुआ है, तो सर अगर कोई मेरी अपना रेफरेंस से कोई बर्ड आपसे परचेज़ करने के लिए आता है तो इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं, देखें चीज़ बनती, कहते हैं कि चीज़ बनती है तो दिखती है, बिल्कुल सर, जब दिखेगी तो बिकेगी भी, बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, हमारी तरफ से हमने किसी को देना है नहीं देना वो तो बाद की बात है, लेकिन आप कोई फोर्सली बंदा कह देता है यार ये बर्ड किसी बंदे को ज़रूरत है, तो जो पेट लवर होगा उसी के पास जाएगी, जो नॉन पेट लवर होगा तो बिल्कुल वो तो गारंटी है तो नहीं देंगे हम, गारंटी है। सही, यानी कि कोई पेट लवर आता है उसी को ही बर्ड देना है, वैसे बर्ड किसी को नहीं देना, यानी कि जो आगे टेक केयर कर सके बर्ड की। बिल्कुल सर ऐसे ही है, ये हमारे पेट्स नहीं बल्कि हमारा प्यार है इनके साथ, प्यार है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ पास नई नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तो आपसे इजाज़त लेते हैं, बड़ा मज़ा आया हमजा भाई के साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं, अल्लाह नेकबान, अल्लाह हाफिज़।